हाय फ्रेंड्स, मैं रेशु ड्रोलिया और आपका मिन्स रेसिपीज चैनल में स्वागत है। तो चलिए मीठा चीला कैसे बनाएं ये देखते हैं। मीठा चीला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप गेहूं का आटा, 1/3 कप चीनी, 2 टेबलस्पून घी, 3/4 टीस्पून इलायची पाउडर और 2 टेबलस्पून बारीक कटे हुए बादाम। तो चलिए हम चीला बनाने के लिए आटे को घोल लेते हैं। आटे का घोल बनाने के लिए हम बोल में डालते हैं आटा और साथ ही साथ इसमें हम चीनी भी डाल देते हैं, बारीक कटे हुए बादाम और इलायची पाउडर भी डाल देंगे और सभी को हम एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। चीनी की मात्रा को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं, जितना मीठा खाना पसंद करते हैं। और फिर इसमें हम डालते हैं अब पानी। हम एक साथ पानी नहीं डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका हमें बिल्कुल मीडियम थिक घोल तैयार करना है। अभी भी हमारा जो घोल है वो काफ़ी गाढ़ा है तो इसमें हम पानी और डाल देते हैं और बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए हमें इसका मीडियम थिक घोल तैयार करना है। और आप देख रहे हैं मैंने जो घोल बनाया है वो बिल्कुल मीडियम थिक है। बैटर हमारा बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा आटे का बिल्कुल स्मूथ बैटर तैयार हो गया है। अब चलिए हम इसके मीठा चीला बनाना स्टार्ट करते हैं। मीठा चीला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है नॉनस्टिक पैन और इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा घी। हम कुछ बूंद घी की डालेंगे और फिर हम टिश्यू पेपर से बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सेस घी है उसे पोंछ देते हैं और पैन को हम बिल्कुल चिकना कर लेंगे। चीला बनाते समय घी का यूज़ करेंगे तो इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा और आप चाहें तो ऑयल से भी बना सकते हैं। और अब हम पैन को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। अगर हम ठंडे पैन में चीला डालेंगे तो ये चिपक जाएगा, आसानी से नहीं उतरेगा। तो पैन को चीला बनाने से पहले गर्म कर लीजिए। पैन बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है और इस समय हम फ्लेम को लो कर देते हैं और फिर इसमें हम डालते हैं बना हुआ घोल। हम 2 से 3 चम्मच घोल डालेंगे। और इसे हम बिल्कुल अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देते हैं। तो थोड़ा सा स्प्रेड करने के बाद अब इसके चारों ओर हम फिर से घी लगा देते हैं। और ऊपर से भी हम घी डाल देते हैं। और इसे हम नीचे की तरफ से कुछ सेकंड्स के लिए सिकने देंगे। मीठा चीला को नीचे की तरफ से सेकते हुए 1 मिनट हो गया है और आप देख रहे हैं ऊपर का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। तो चलिए अब इसे हम पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। ये जब सिक जाता है तो आसानी से पैन को छोड़ देता है। और इसे हम पलट कर दूसरी तरफ से भी कुछ सेकेंड्स के लिए सेक लेते हैं जब तक कि डार्क ब्राउन स्पॉट्स ना आ जाएँ। तो ये देखिए नीचे की तरफ से भी डार्क ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा हमें नहीं सेकना है। ये बनकर तैयार है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने मीठा चीला बना के बिल्कुल तैयार कर लिया है। इसे आप ब्रेकफास्ट या स्नैक्स दोनों समय सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नई रेसिपीज़ देखने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए।